हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास क्लास अपॉन में। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। देखिए हमको क्वेश्चन दिया गया है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इन वर्गमूल 3। इसको जब हल करना है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए मैं हल करने वाला हूँ इसको। देखिए 5 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 धन 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 2 और 5 तिया कर दीजिए आप, यहाँ पे 5 गुना 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 5 ऋण 3 घटा दीजिए, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, धन यहाँ पे हो जाएगा देखिए आपका 2, 5 तिया 15, वर्गमूल 15, और 5 में 3 घटा देंगे तो 2 आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या कर दीजिए, यहाँ से 2 को बाहर निकालिए, तो 2 चौक 8 और वर्गमूल 3 बटे 2, 2 और 2 को काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए 4 धन वर्गमूल 3। तो वैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन भी बना। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक का उपयोग करेंगे जहाँ पे हम लगातार 20 संख्याओं का योग निकालेंगे। लगातार 20 संख्या होना चाहिए, है ना। जैसे कि देखिए 1 से 20 तक योग निकालना है, तो देखिए 20 और 1 को जोड़ दीजिए, 20 धन 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 21, और 21 में लगा दीजिए 0, ये 210 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए 31 से 50 तक, है ना, 31 और 50 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, 50 धन 31, ये हो जाएगा क्या 81, और एक 0 लगा दीजिए, 810 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 101 और 120 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 101 धन 120, ये हो जाएगा आपका 221, एक 0 लगा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन का को सॉल्व अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं मैथ्स ट्रिक में बड़े से बड़े जो प्रश्न है इसको कैसे सेकंडों में बनाया है ना। तो देखिए यहाँ पे पूरा मूल दिया हुआ है ना, रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ग भी घात में भी दिया हुआ है, 3, 7 और 13, और इधर पूरा मूल दिया गया है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सूत्र लगाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इधर से घात और इधर से मूल को क्या करते जाना है, कैंसिल करते जाना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे देखिए हमको केवल मिलता है 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग पता है क्या होता है, 121। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 की घात में 3 धन, 2 की घात में 3 धन, 3 की घात में 3, और पूरे का वर्गमूल है। अब इसको पूरा डिटेल में हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए कैसे एकदम सिंपली हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि लास्ट देखो 3 है, 3 और एक अंक और बढ़ा दीजिए 4, 3 चौक 12, और इसको भाग दीजिए 2 से 2 एकम 2, 2 6 का 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 से 6। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में मैं क्या कर देता हूँ, 4 गुना 5, 4 5 6 20, और इसको भाग देता हूँ 2 से 2 दहम 20, आंसर आ जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए टोटल 5 तक का घात में 3 का हमको योग निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 5 गुना 6, 6 5 6 30, और भाग दीजिए 2 से 2 एकम 2, और 2 5 6 10, आंसर आ जाएगा क्या, 15। यहाँ पे देखिए डे नंबर 62, रीड नंबर 62, इसके अंतर्गत ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स ट्रिक के बारे में, ठीक है, बेसिक मैथ्स के अंतर्गत आज हमारा 62 डे है। तो देखिए फ्रैक्शन ट्रिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल लघुत्तम वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से जोड़ेंगे, है ना। देखिए 2 4 8, अगर आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना, तो 8 लिख दीजिए, और इसमें एक कम कर दीजिए, 8 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए 16, ठीक है, लघुत्तम क्या आएगा, देखिए 2 4 8 16 का 16 ही आएगा, एक कम कर दीजिए 15 आ जाएगा आंसर। वैसे ही यहाँ पे देखिए देखिए 2 4 8 16 32, लघुत्तम आएगा 32, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देना 31, और इस प्रकार इसका योग आप सेकंडों के अंदर निकाल लेंगे। देखिए अगला वीडियो है बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जो कि देखिए किस तरीके से, देखिए 2 की घात में 50, 3 की घात में 40, 4 की घात में 30, और 5 की घात में 20। अब इसको कैसे करें, अब इसमें बड़ा छोटा देखेंगे तो पूरा गुना करना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें देखिए क्या कॉमन है, देखो 10 कॉमन है यहाँ पे, जैसे कि 10 से मैं कैंसिल करूँगा ना, 10 5 6 50, 10 4 40, 10 3 30, और ये हो जाएगा क्या 10 2 20। तो देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग क्या मिलता है हमको, 25, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 और 16 चौक 64 मिलता है, यहाँ पे देखिए 3 3 9 और 9 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 3 9, 3 3 9 और 9 81 मिल जाएगा, और 2 की घात में 5, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा हमको क्या मिल रहा है, 81, यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 की घात में 40 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है वर्गमूल 12 इनफाइनाइट टाइम्स, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसका आंसर जैसे कि ये क्या है, 12 है, 12 ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे देखिए आपको कितने बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे 12, फिर ये घात है ना, पावर में आप एक लाइन खींचेंगे, देखिए 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16,
आप लिखेंगे 16 और 16 में एक कम कर दीजिए, आ जाएगा 15। फिर देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है 5 बार, ठीक है 3 लिखेंगे आप। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32 लिखेंगे और 32 में एक कम कर देंगे 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आयु वाला, ए और बी की आयु का योग 20 वर्ष है, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 20 वर्ष दिया है, 20 वर्ष में आप क्या कर दीजिए, 4 को माइनस कर दीजिए आ जाएगा 16, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 8 जो है ना वो बी की आयु है, क्योंकि ए क्या है 4 वर्ष ज़्यादा है, तो आप इसमें 4 फिर से जोड़ दीजिए, 12 वर्ष आ जाएगा क्या आपका ए का आयु। इसके अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे जब ऐसे सेम सेम टाइप का मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको जोड़ने के लिए, जैसे कि देखिए 1 2 3 बार दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा 3 2 1 और यहाँ लगाऊंगा दशमलव और ये 0। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार दिया है, सेम नंबर है, मैं लिखूंगा 4 3 2 1, यहाँ पे लगाऊंगा दशमलव और ये लगा दिया 0, ये आ गया इसका योगफल आंसर। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 जब दिया हो इस प्रकार, जो कि 5 बार है ना, तो मैं लिखूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 6 10 और एक अंक में यहाँ पे लगा दूंगा दशमलव, और इस तरीके से हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो मैथ्स ट्रिक के अगले वीडियो में देखें, यहाँ पे अनुपात वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड जो कि है 3:4:5, तो 1/x 1/y और 1/z का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, मैं लिखूंगा 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। अब जैसे मैं 1/x लूंगा तो इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, और ये गुणा करूंगा 4 5 6 20 लगा दूंगा अनुपात। अब मैं देखिए y के लिए लूंगा जब भी, तो y वाले को छोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 5 6 15। फिर इसके बाद देखिए मैं z के लिए लूंगा तो z वाले को छोड़ दूंगा, ले लूंगा क्या 3 6 12 और ये आ गया हमारा आंसर।